हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑली जीएस। आज इस वीडियो में हम महेश कुमार वर्णवाल की एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था के ये सभी टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ था, इसके अंतर्गत ये सभी टॉपिक दिए गए हैं। हम ये सभी टॉपिक विस्तार से जानेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये कलकत्ता में की गई थी 1774 ईस्वी में। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ, तो ये चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। भारत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई, तो ये भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है, तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। भारत का संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। तो जब इतने अधिनियम तक तो जो ये चार्टर एक्ट थे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत का शासन होता रहा, लेकिन जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद से भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में ले लिया। उसके बाद ये अधिनियम पारित किए गए, भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई, तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था, तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 में। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन, भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। तो ये पूछा जाता रहता है कि ये कहाँ से लिया गया है, केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्तियों का बंटवारा होता है, तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा है। नेक्स्ट, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था, तो ये क्रिप्स मिशन के द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था, कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था, तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित थे। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था, तो ये विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। अंतिम सरकार वर्ष 1946 में जो विभाग बनाए गए थे उनके कौन कौन से अध्यक्ष थे, यहाँ पर कौन कौन थे उसके मंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेश मामलों से संबंधित थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह सूचना एवं प्रसारण के मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि मंत्री, जॉन मथाई, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, जगजीवन राम, श्रम मंत्री, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे, लियाकत अली खां ये वित्त मंत्री थे और सी राजगोपालचारी ये शिक्षा एवं कला के मंत्री थे। तो ये अक्सर पूछा जाता रहता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो ये 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का प्रथम प्रारूप सर बी एन राव के द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, तो ये 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था, 22 जनवरी 1947 को।
संविधान, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो टोटल 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये सर बी एन राव थे। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप से राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो ये 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह लागू कर दिया गया था। संविधान सभा के बारे में है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा अंगीकृत किया गया यानी कि एडॉप्ट किया गया जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो ये संविधान सभा द्वारा। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की सलाहकारी समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये सलाहकारी समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष दिए गए हैं। संघ, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी समिति के कौन कौन अध्यक्ष रहे हैं ये अक्सर पूछा जाता रहता है। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जी वी मावलंकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 सदस्य कौन कौन से थे? एन गोपाला स्वामी आयंगर डॉक्टर, दूसरे कौन थे? डॉक्टर के एम मुंशी, बी एम मित्रा और इनके बाद इनके स्थान पर कौन आए? माधव राव, अल्लारी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डी पी खेतान। बाद में इनके स्थान पर टी टी कृष्ण माचारी इनकी डेथ के बाद थे। ये सभी थे इसके सदस्य। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो ये 29 अगस्त 1947 को। अब इसके विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत ये कहाँ कहाँ से लिए गए हैं? संविधान सभा के सभी स्रोत कौन कौन से हैं? तो संविधान सभा के मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं ये आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत ये फ्रांस से लिया गया है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। मतलब ये लिखित संविधान की कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका से। और पहला लिखित, दुनिया का पहला लिखित संविधान कौन सा है? अमेरिका का है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश से लिए गए हैं? जर्मनी से। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? कनाडा से। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है।
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान से ली गई है, मूल कर्तव्यों को रूस से लिया गया है और संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संविधान से हैं? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से। विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान, इधर प्रावधान दिया गया है इधर देश, पहले ये देख लेते हैं कि यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। तो पहला है प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। दूसरा मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जनहित याचिका, न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली, उपराष्ट्रपति का पद, यथोचित विधि प्रक्रिया। ब्रिटेन से विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव, जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका और संसदीय विशेषाधिकार। और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन, कनाडा से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन और संघात्मक विशेषताएं, ये कनाडा से ली गई हैं। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये सभी ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, और फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। रूस से मूल कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श। जर्मनी से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब ये भाग कौन कौन से हैं, कौन कौन से भाग में कितने अनुच्छेद दिए गए हैं, क्या क्या है, हम ये देख लेते हैं संविधान के सभी भाग। तो ये पहला है संविधान के सभी भाग, संबंधित विषय और उनसे संबंधित जो भी अनुच्छेद दिए गए हैं। इन्हें आपको रटना नहीं है, रटने से आप ज्यादा दिन तक याद नहीं कर पाएंगे। आपको इसे देखना है कौन कौन से भाग में कितने अनुच्छेद दिए गए हैं और क्या क्या उससे संबंधित विषय हैं। आप एक बार अच्छे से एक दो बार ध्यान से देख लेंगे तो ये चीजें आपको खुद ब खुद याद होती चली जाएंगी, और आप जितना रिवाइज करेंगे उसी आधार पर ये याद होता जाएगा। आपको रटने की जरूरत नहीं है, रटी हुई चीजें ज्यादा दिन तक आप याद नहीं रख पाएंगे। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये 1 से 4 भाग 1 में दिया गया है और अनुच्छेद 1 से 4 में है। दूसरा भाग में क्या है, नागरिकता है, ये अनुच्छेद कौन से हैं, 5 से 11। भाग 3 में मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, 12 से 33 अनुच्छेद में है। भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का में दिया गया है, जो मूल कर्तव्य है अनुच्छेद, ये जो भाग 5 है और ये मूल कर्तव्य भाग 4 का में दिया गया है, ये भी देखिए ना, और ये मूल कर्तव्य ये भाग 5 में दिया गया है। संघ भाग 5 में संघ द यूनियन, अनुच्छेद कौन से हैं, 52 से लेकर 151 तक। ये भाग 6 है राज्य, अनुच्छेद 152 से 237। भाग 7 पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य संविधान अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निर्सित, ये अब नहीं है संविधान में, हटा दी गई है। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं, 239 से 242 तक अनुच्छेद हैं ये। और भाग 9 में पंचायतें हैं, अनुच्छेद 243 से 234 तक। और ये नगर पालिकाएं दी गई हैं भाग 9 का में, भाग 9 का में है नगर पालिकाएं, म्युनिसिपैलिटीज, अनुच्छेद कौन कौन से हैं, 243 ता से लेकर 243 या छा तक। सहकारी समितियां,
9 खा में दिया गया है। सरकारी समितियां अनुच्छेद कौन से हैं, 243 या जा से लेकर 243 या ना तक। और भाग 10 में क्या है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र अनुच्छेद 244 से 244 का। भाग 11 में संघ और राज्यों के मध्य संबंध अनुच्छेद 245 से 263। भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद 264 से 300 का। भाग 13 राज्य के भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम अनुच्छेद 301 से 307। ये भाग 14 का ए है, भाग 14 है। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं अनुच्छेद 308 से 323। भाग 14 का ए है ये, यानी का अधिकरण दिया गया है इसमें। अनुच्छेद कौन से हैं, 323 का से लेकर 323 खा में दिया गया है। भाग 15 में निर्वाचन है अनुच्छेद 324 से 324 का तक। और ये भाग 16 है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों पिछड़े वर्गों एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध अनुच्छेद कौन से हैं, 330 से 342। भाग 17 में राजभाषा अनुच्छेद 343 से 351 तक। आपात उपबंध भाग 8 में है, अनुच्छेद कौन से हैं, 352-360। और भाग 19 में प्रकीर्ण मिसलेनियस 361 से 367। संविधान का संशोधन भाग 20 में है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता रहता है, 368। ये भाग 20 के बाद 21 अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध कौन सा अनुच्छेद है, 369 से 392 तक। ये भाग 22 है, टोटल 22 भाग दिए गए हैं। इसमें क्या है, संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राकृतिक पाठ और निरसन। और ये अनुच्छेद कौन से हैं, 393 से 395। टोटल 395 अनुच्छेद अभी भी हैं, लेकिन ये भाग इसमें कई सारे खंड उपभाग जोड़ दिए गए हैं। नेक्स्ट क्या है, संविधान की अनुसूचियों में क्या क्या है हम ये भी देख लेते हैं। भारत के मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में अब 12 हैं। भारतीय संघ में नए राज्यों के गठन का प्रावधान प्रथम अनुसूची में दिया गया है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है, तो ये 5वीं अनुसूची है। राज्यों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है, 7वीं अनुसूची में। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, इसे 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा इसे संशोधित किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है, एंटी डिफेक्शन लॉ। अंग्रेजी जो भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं, लेकिन ये याद रखना है कि इसमें अंग्रेजी शामिल नहीं की गई है। नेक्स्ट अब ये देख लेते हैं भाग में कौन कौन से हैं। तो पहली अनुसूची संघ राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनकी सीमाएं दी गई हैं, अनुच्छेद कौन से हैं, 1 से 4। दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति राज्यपाल लोकसभा तथा राज्यों लोकसभा राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष उपाध्यक्ष राज्यसभा राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायाधीश के न्यायाधीश भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पदाधिकारियों के वेतन भत्तों तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान
ये इतने अनुच्छेद में दिया गया है, आप देख लीजिएगा। तीसरी अनुसूची में संघ राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य व चुनावों के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथों, प्रतिज्ञों, प्रतिज्ञानों के प्रारूप दिए गए हैं तीसरी अनुसूची में। अनुच्छेद ये हैं संबंधित। चौथी अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, अनुच्छेद ये दिया गया है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान हैं। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध हैं। सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के सभी विषय हैं। और आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं की सूची दी गई है। नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार, जमींदारों उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम, विनियम आदि जिन्हें न्यायिक पुनरावलोकन से बचाने के लिए इनमें सम्मिलित किया गया था, अनुच्छेद 31 खा में है। दसवीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, अनुच्छेद 102 का उपदो और एवं 119 का दो। ग्यारहवीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियां व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। बारहवीं अनुसूची न्यायपालिकाओं की शक्तियां व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए अनुच्छेद हैं। आठवीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ी गई थी। अब जो भी संविधान की विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं, संविधान में कौन कौन सी विशेषताएं दी गई हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है, इंडिया दैट इज भारत, अर्थात भारत अर्थात इंडिया। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो ये संसदात्मक है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है, एकल कार्यपालिका। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है, न्यायिक समीक्षा। भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन से। यहाँ पर दिया गया है ये भारतीय संविधान के मूल तत्व कौन कौन से हैं, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक। एक बात ध्यान रखना, संविधान में पंथ निरपेक्ष दिया गया है, ना कि धर्म निरपेक्ष। नेक्स्ट, नीति निदेशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था, तो ये ग्रेनविल ऑस्टिन थे। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद अनुसूचियां हैं, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। प्रेजेंट में 12 अनुसूचियां, अनुच्छेद इतने ही हैं। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था, तो ये कलकत्ता अधिवेशन वर्ष 1911 में। राष्ट्रगान का समय कितना है, मानक समय कितने समय में गाया जाता है, 52 सेकंड। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के कारण एक मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन किसका है, के सी व्हीलर का। भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है, संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह किसका कथन है, आइवर जेनिक्स का। भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था, के सी व्हीलर ने। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख कौन है, तो ये जनता होती है। भारत कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा, यह किसने कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, ये किसका कथन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनैतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, यह सुझाव किसने दिया था, महात्मा गांधी ने।
भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? जी ऑस्टिन ने। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में। ये जो संघात्मक शासन प्रणाली है ये भारत में है और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अमेरिका में है, ये आप देख ही रहे होंगे न्यूज से। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ होता है, राष्ट्रीय पुष्प कमल होता है, पक्षी मोर होता है और ध्वज, और भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके चक्र में 24 तीलियां हैं टोटल। अब सातवीं अनुसूची के कौन कौन से प्रमुख विषय हैं वो भी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी पूछा जाता रहता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता की सूची का विषय है समवर्ती सूची। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। और समवर्ती सूची का मतलब क्या होता है? जैसे राज्य सूची में राज्य कानून बनाएगी और संघ सूची में संघ कानून बनाएगा। और ये जो समवर्ती सूची है इसपे राज्य और संघ दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर किसी कारण मतभेद हो तो ये जो संघ सूची का कानून है वही मान्य होता है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में लाया गया। भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है, रेलवे राज्य सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग ये समवर्ती सूची का विषय है। कृषि राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची थर्ड समवर्ती सूची में शामिल है। विवाह विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची थर्ड यानी समवर्ती सूची में दिए गए हैं, सम्मिलित किए गए हैं। तीनों सूचियों से संबंधित विषय हैं। संघ सूची के ये सारे विषय हैं: प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, नागरिकता, डाक व तार, निगम कर व सेवा कर, युद्ध और शांति, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, बीमा, प्रत्यर्पण, शेयर बाजार और राज्य सूची के लोक व्यवस्था, पुलिस, रेल व ग्रामीण पुलिस दोनों, कारागार, भूमि, स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, बाजार एवं मेले, सट्टा, बेटिंग व जुआ, गैम्बलिंग, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, समवर्ती सूची का दंड विधि या प्रक्रिया विधि, आर्थिक व सामाजिक योजनाएं, शिक्षा, वन, विवाह व विवाह विच्छेद, कारखाने, मजदूर संघ, खाद्य पदार्थों और अन्य पदार्थों का अपमिश्रण, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, न्याय प्रशासन, संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण। संघ सूची के और कौन कौन से विषय हैं? अंतरराष्ट्रीय संधि और कारागार, रेलवे, मुद्रा व रिजर्व बैंक, समुद्री व हवाई मार्ग, विदेशी ऋण, विदेशी व्यापार, लॉटरी, आयकर, कृषि से भिन्न, जनगणना, डाक घर, बचत बैंक, स्टॉक एक्सचेंज। और राज्य सूची के विषय हैं और जो एक्स्ट्रा हैं: पशुपालन, सिंचाई, कृषि आय पर कर, गैस, शराब, मनोरंजन, भू राजस्व या लगान, विद्युत पर कर, पथ कर यानी टोल टैक्स, प्रति व्यक्ति कर, कैपिटेशन टैक्स और विलासिता वस्तुओं पर जो टैक्स लगाए जाते हैं वो राज्य सरकार के द्वारा, विद्युत ये समवर्ती सूची के विषय है, विद्युत, बाट माप, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण, समाचार पत्र, पुस्तकें, मुद्रणालय, स्वच्छता व औषधालय, औद्योगिक विवाद, उत्तराधिकार, विधि वृत्ति, चिकित्सा वृत्तियां, कीमत नियंत्रण, जन्म मरण पंजीकरण। उद्देशिका के बारे में जान लेते हैं। उद्देशिका दिया गया है, प्रस्तावना यानी इसे प्रस्तावना भी कहते हैं, और उद्देशिका ये शुरू होता है हम भारत के लोग से। ये अक्सर पूछा जाता रहता है कि उद्देशिका का शुरुआत कहाँ से होती है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सभी में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद् द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, हम भारत के लोक से उद्देशिका की शुरुआत होती है और इसमें जो दिया गया है ये सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय पूछा जाता है। उद्देशिका में कितने न्याय दिए गए हैं, तो ये सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की पूछा जाएगा। न्याय कितने प्रकार के, 3। स्वतंत्रता 5 प्रकार की, और ये जो समता है, समानता, ये 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, उपासना, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और धर्म, ये स्वतंत्रता है। तो ये पूछा जाता रहता है। और किस तारीख को ये किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को, ये भी याद रखिएगा, इतना इससे इम्पोर्टेंट है। संविधान में उद्देशिका प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है, तो संविधान की प्रस्तावना। भारत की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। तो इसमें ये भी पूछा जाता रहता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इसका क्रम पूछ लेता है, थोड़ा यूपीएससी लेवल के पेपरों में ऐसा आता है कि भारत को ये जो क्रम दिया गया है ये क्रम इसका सही करें। तो क्रम ये ध्यान रखिएगा कि पहले क्या आता है और बाद में क्या आता है, ये विचार, अभिव्यक्ति, इन सभी के क्रम भी पूछे जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करने वाला होना चाहिए, ये केशवा नंद भारती बात 1973 के द्वारा। 2020 में केशवानंद जी की मृत्यु हो गई है, तो इसलिए भी इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, तो उद्देशिका। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य अधिकतम जनसंख्या के लिए अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना है, ये इसका अर्थ है। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, मतलब यहाँ चुनाव कराए जाएंगे भारत की जनता के द्वारा। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, मतलब सभी धर्म समान हैं। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है, 1917 की रूसी क्रांति से। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है, तो ये SR बंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता का, इसका ये अर्थ है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता क्योंकि संविधान की प्रस्तावना से आरंभ होती है, हम भारत के लोक शब्दों से, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है बल्कि यह राज्य के नीति निदेशक तत्व का भाग है। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1976 में किया गया था। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, संप्रभुता है। समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। उद्देशिका को राजनीतिक जन्म पत्री की संज्ञा किसने प्रदान की, KM मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था, वेरुवारी संघ मामले में 1960 में।
संविधान निर्माण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लारी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। अब संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं। अनुच्छेद यहाँ से शुरू होता है, कौन से अनुच्छेद में क्या क्या दिया गया है, तो अनुच्छेद एक है ये। भारत के राज्य क्षेत्र में निम्न क्षेत्र शामिल होंगे। राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए, जो भारत प्राप्त कर ले कहीं से, किसी के द्वारा जीत कर या कहीं से। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा राज्यों का संघ। भारत के में कितने राज्य एवं संघ संघीय प्रदेश हैं अभी? तो 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश, इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शामिल हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित हैं? 20। दो पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया? 31 अक्टूबर 1919 को। संघ एवं राज्य क्षेत्रों से संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं। आप यहाँ पे ये देख लीजिए, अनुच्छेद एक में क्या है? संघ के क्षेत्र का नाम। दूसरे में नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार। तीसरे में क्या है? नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल सीमा अथवा नामों में परिवर्तन, ये अनुच्छेद तीन में दिया गया है। चार में क्या है? अनुच्छेद दो एवं तीन के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक अनुसांगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सके, तो ये आप याद रख सकते हैं। नए राज्यों के गठन की शक्ति संसद को प्राप्त है। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन 1953 में किया गया था। भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? तो 14 राज्य, 6 संघ राज्य क्षेत्र। सिक्किम भारत का राज्य, भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया था? तो ये 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1975 में। कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद को रियासत के सैन्य कार्रवाई के द्वारा भारत में शामिल किया गया। ये अक्सर पूछा जाता रहता है कि जूनागढ़ को किसके द्वारा भारत में शामिल किया गया, तो वहां पे जनमत संग्रह कराया गया, और हैदराबाद को सैन्य कार्रवाई के द्वारा बलपूर्वक भारत में शामिल किया गया। जम्मू कश्मीर रियासत के शासक ने पाकिस्तानी सेना एवं कबायलियों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया था। ये राज्य दिए गए हैं, कब कब बनाए गए हैं, ये दिया गया है। पहले के राज्य विशेष राज्यों को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो असम 1969, हिमाचल प्रदेश 1971, मेघालय 1972, सिक्किम 1975 से 76, अरुणाचल प्रदेश 1986 से 87, नागालैंड 1969, मणिपुर 1972, त्रिपुरा 1972, मिजोरम 1986 से 1987। क्षेत्रीय परिषदों के अंतर्गत क्या क्या आता है? ये परिषद के नाम है, मुख्यालय हैं, और ये उससे संबंधित जो भी प्रदेश दिए गए हैं, जो भी राज्य हैं, वो कौन कौन से आते हैं? तो उत्तरी क्षेत्र परिषद है, टोटल 5 परिषद दिए बनाए गए हैं भारत में, और इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं वो लिख लेते हैं। तो इसका मुख्यालय जो उत्तरी है उसका नई दिल्ली में है। इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़ आते हैं, और केंद्रीय जो केंद्र है इसका मुख्यालय प्रयागराज में है। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आते हैं। पूर्वी का मुख्यालय कोलकाता में है, इसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और सिक्किम आते हैं। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुंबई में है मुख्यालय, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा व नगर हवेली व दमन दीव आते हैं। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद चेन्नई में है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और तेलंगाना, ये सभी राज्य इसके अंतर्गत आते हैं। विसंघ राज्य क्षेत्र है, उससे संबंधित
यहाँ पे जो भी संघ व केंद्र शासित प्रदेश है और उससे संबंधित राज्य राजधानी, वहाँ कौन सी भाषा है, जिलों की संख्या क्या है, ये सभी दिए गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये राजधानी है। मैं ये सब पढ़ के नहीं बताऊंगी, ये आपको मालूम होगा कि राजधानी कौन सी है, भाषा कौन सी बोली जाती है। ये तो ज्यादा वन लाइनर पेपर में नहीं पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे ये भी लिखा है, ये आप देख सकते हैं। कुल राज्य क्षेत्र यहाँ दिया गया है, ये क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर, और ये भारत के कुल राज्य क्षेत्र का प्रतिशत दिया गया है कि ये कितने कितने प्रतिशत में दिए गए हैं। तो ये आप खुद से इसकी राजधानी देख लीजिएगा। यहाँ पर आगे के जो भी 28 राज्य हैं टोटल, पूरे 28 राज्य दिए गए हैं। नेक्स्ट, ये केंद्र शासित प्रदेश के हैं, यहाँ पे कितने जिले हैं, क्या क्षेत्र है और क्या राजधानी है। टोटल 8 जिले हैं इस समय केंद्र शासित प्रदेश में। अब नागरिकता के बारे में हम जान लेते हैं, नागरिकता से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं। तो नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रकार होते हैं। कोई व्यक्ति जो भारत में जन्म लेता है वो भारत का नागरिक बन जाता है, और वंशाधिकार, अगर आपके माता पिता यहाँ से हैं तो आप नागरिक बन सकते हैं, और पंजीकरण के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, भूमि के अर्जन के द्वारा, ये 5 प्रकार हैं। भारतीय संविधान के किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है, तो एकल नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप। इसका क्या मतलब होता है, जैसे अमेरिका में, यूएसए में दोहरी नागरिकता है, इसका मतलब वहां पे राज्य की अलग से नागरिकता होगी और केंद्र की अलग से नागरिकता होगी, लेकिन भारत में सिर्फ केंद्र की एकल नागरिकता का प्रावधान है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया है। नागरिक संशोधन अधिनियम 1919 CAA में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। तो ये है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है, वो परित्याग कर सकते हैं, पर्यावसान या वंचना, उन्हें वंचित भी किया जा सकता है, वो खुद से के द्वारा कर सकते हैं, उनका कहीं अलग से वो चले जाते हैं, दूसरे देश का ग्रहण कर लेते हैं तो वहां के हो जाते हैं, तो यहाँ की नागरिकता उनकी स्वयं समाप्त हो जाएगी, या फिर उन्हें किसी कारण से वंचित भी किया जा सकता है। भारत के बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, 7 वर्ष तक। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समयांतराल पर मनाया जाता है, प्रति 2 वर्ष के समयांतराल पर। नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं। संविधान लागू होने के समय नागरिकता 5 में है, ये 6 में दिया गया है। पाकिस्तान से भारत के प्रवासन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार अनुच्छेद 7 में, पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों के अनागरिकता का अधिकार है 8 में। भारतीय मूल के वैसे लोगों के नागरिकता का अधिकार है जो भारत के बाहर रह रहे हैं 9 में। जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है 10 में। क्या है, नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता। 11 में संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। तो टोटल 5 से लेकर 11 तक संविधान में अनुच्छेद दिया गया है। नेक्स्ट, लक्ष्मी मल सिंघवी समिति किससे संबंधित है, दोहरी नागरिकता से, ड्यूल सिटीजनशिप। किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है, ब्रिटेन से। भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है कृषि भूमि, यानी जो PIO वाले लोग होते हैं वो भारत में कृषि भूमि नहीं खरीद सकते हैं। NRI, PIO, OCI कार्ड धारक में तुलना की गई है। यहाँ पर ये कौन कौन से होते हैं, तो ये वन लाइनर एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, तो जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको यहाँ वही बताऊंगी, ये मैं यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन आपके नॉर्मल पेपरों में पूछे जाएंगे। ML सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने 9 प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की। तो 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, ये जान लीजिए, और बाकी ये आप खुद से देख सकते हैं यहाँ पर ये सारी चीजें, ये क्या क्या होता है, NRI क्या होते हैं, वैसे ये सारी चीजें आपको पता भी हो सकती हैं। अब मूल अधिकार जो इम्पोर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, अब हम वो देख लेते हैं। मूल अधिकार,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो भाग तीन में है अनुच्छेद 12 से 35 तक। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्रथम प्राथमिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? मौलिक अधिकार के। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? 14 से 18 तक दिया गया है। समानता का अधिकार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 14 है ये। अनुच्छेद 14 है लिंग धर्म, लिंग मूल वंश, जाति धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 15 में एक मूल अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया जाता है? अनुच्छेद 14 है और ये 16 है। भारतीय संविधान में अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? अनुच्छेद 16 का फर्स्ट है और 16 का सेकेंड है। संवैधानिक उपबंध, ये एक साथ सभी अनुच्छेद दिए गए हैं तो हम ये देख लेते हैं। केवल ऐसे अनुच्छेद यहाँ पर दिए गए हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, और इधर भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को भी ये सभी जो अधिकार दिए गए हैं मौलिक अधिकार, ये सभी भारतीय और विदेशी को भी प्राप्त हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये सभी सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं। ये कौन कौन से अनुच्छेद हैं ये तो मैंने अभी बताया, फिर से बता देती हूँ। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद करना अनुच्छेद 15 में है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता 16 में दिया गया है। वाक एवं अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण एवं शस्त्र रहित सम्मेलन करने, संघ एवं सहकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्रों में आबाद संचरण एवं बसने की, व्यापार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों का संरक्षण जो अनुच्छेद 29 में दिया गया है। शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार अनुच्छेद 30 में दिया गया है। ये सभी अनुच्छेद सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त किए गए हैं। और विदेशी और भारतीयों को कौन से हैं? अनुच्छेद 14 दिया गया है। अनुच्छेद 20 दोष सिद्ध का जो अधिकार दिया गया है, और जीवन का अधिकार। अनुच्छेद 21 शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 का ए है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से निरोध से संरक्षण है, वो अनुच्छेद 22 में दिया गया है। विरोध के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध का अधिकार जो है अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है, ये भी भारत और विदेशी दोनों को प्राप्त है। धर्म संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 ये सभी भारत और विदेशी दोनों को प्रदान किए गए हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो यह अनुच्छेद 17 है। संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 18 का संबंध है उपाधियों के अंत से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो यह अनुच्छेद 19 में किया गया है। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है? तो यह अनुच्छेद 19 के ए में दिया गया है। यहाँ पर अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो पहला है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये 19 के फर्स्ट ए में है। शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार अनुच्छेद बी में है, फर्स्ट का बी है। संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद एक के सी में दिया गया है। भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण संरचरण का अधिकार अनुच्छेद 19 के एक डी में दिया गया है। कोई वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार अनुच्छेद 19 के फर्स्ट जी में है। भारत के किसी भाग में निवास करने वाले
बसने का अधिकार अनुच्छेद 19 के फर्स्ट ई में दिया गया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? तो यह अनुच्छेद 20 के सी में दिया गया है। कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 20 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21 है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 24 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध जैन और सिख धर्म सम्मिलित हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 का फर्स्ट अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से मौलिक अधिकार प्रवर्तित किए जाते हैं? तो ये मौलिक कौन से अधिकार प्रवर्तित किए जाते हैं तो मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? न्यायपालिका। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका रिट दायर की जा सकती है? तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ? तो केशवानंद भारती बनाम केरल वाद 1973 के द्वारा। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी किस प्रकार का अधिकार है? तो ये वैधानिक अधिकार है। सूचना का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद किया गया है? तो ये अनुच्छेद 15 के 6 और 16 के 6 में किया गया है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये मूल अधिकार है अनुच्छेद 301 के तहत। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, मतलब जो विदेशी हैं। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता है? तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार है जो राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी समाप्त नहीं किया जा सकता। और राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में दिया गया है? 352 में दिया गया है। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये वर्ष 1976 में पारित किया गया था। मूल अधिकार दिए गए हैं इधर इधर अनुच्छेद हैं। कौन से मूल अधिकार और कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हैं? तो समता का अधिकार 14 से 18 में दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 24 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 26 27 28 में दिया गया है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्व अब हम देखेंगे। राज्य के नीति निदेशक तत्व में क्या क्या दिया गया है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? तो ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में और ये भाग 4 में दिया गया है। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है किंतु समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व तो वाद योग्य नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 43 का है। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन को किस अधिकार में समान वेतन को अधिकार का प्रावधान कहां से लिया गया है? तो ये कहां पर है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में।
पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 है, जो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है, यह किसका कथन है? केटी शाह का है। अब देख लेते हैं नीति निर्देशक तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं। तो अनुच्छेद 36 में दिया गया है नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में राज्य की परिभाषा दी गई है। 37 में क्या है? न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न होना, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। 38 में है लोक कल्याण की अभिव्यक्ति के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। 38 का सेकंड है आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना। 39 का फर्स्ट है का निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। 39 का खा है समुदाय के भौतिक संस्थानों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो कि जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप में प्राप्ति हो। 39 का घा है पुरुषों व स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। ये अक्सर पूछा जाता रहता है कि पुरुषों व स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो 39 के घा में दिया गया है। 39 का ये अंगणा है पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वस्थ व शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 42 में है काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रसिद्धि सहायता। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। अनुच्छेद 43 का है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 का खा कर्म सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यवसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। 44 में है सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। ये भी इम्पोर्टेंट है सभी नागरिकों के लिए ये समान नागरिक संहिता किसमें दी गई है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करना। अनुच्छेद 46 है एससी एसटी दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हित की अभिवृद्धि। 47 पोषाप्तर स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध। 48 है गायों बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं पर प्रतिबंध व उनकी नस्लों के सुधार के प्रयास किए गए हैं। अन्य क्या है? 48 है कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना। 48 का है पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना। 49 राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या संस्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना। 50 है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण, ये भी पूछा जाता रहता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का करण पृथककरण किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो ये 50 है। 51 है अंतरराष्ट्रीय न्याय शांति व सुरक्षा की अभिव्यक्ति। मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं? किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से संबंधित प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो ये सोवियत संघ रूस है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? भाग चार के का में है। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? तो ये स्वर्ण सिंह समिति 1976 में गठित की गई थी इसी के द्वारा। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन दो वर्गों में रखा जाता है? नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य। मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान कौन सा कर्तव्य माना जाता है? तो ये नैतिक कर्तव्य है, मोरल ड्यूटी।
प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है बल्कि राज्य के नीति निदेशक तत्व का अंग है। ये महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये 51 का में वर्णित है। मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? ये केवल नागरिकों पर लागू होते हैं कि उन्हें ही इसका पालन करना चाहिए। नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं? पहला है संविधान का पालन करें और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों और हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। देश की रक्षा करें, आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। नेक्स्ट फाइव मूल कर्तव्य हैं, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव सम्मिलित हैं। इनकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव बनाए रखें। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। दसवां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रत्यक्ष व उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके। 11 है जो 2002 में जोड़ा गया, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षक जो भी हों उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। यह 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा था? तो ये विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986। अब राष्ट्रपति से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। राष्ट्रपति पद की अर्हताएं क्वालिफिकेशन क्या है, ये अनुच्छेद 58 में दिया गया है। तो क्या क्या है? वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और किसी भी लाभ के पद पर ना हो। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो ये अप्रत्यक्ष मतदान से, आनुपातिक प्रतिनिधित्व से, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है? तो ये राज्यसभा, लोकसभा और राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। 28 राज्य पद केंद्र शासित प्रदेश में दो हैं, एक दिल्ली और दूसरा पुदुचेरी विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए? तो ये 50 निर्वाचकों के द्वारा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा? यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, यानी अगर कोई भी मंत्री किसी राज्य का विधान परिषद का सदस्य है तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकता, उसके लिए उसे विधानसभा का निर्वाचित सदस्य होना अनिवार्य है। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का भाग तो है परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है। ये राज्य की विधानसभाएं हैं, उनके महाभियोग में केवल जो लोकसभा और राज्यसभा हैं इन्हीं के जो सदस्य हैं वही लेते हैं भाग। संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु उस पर क्या शर्तें हैं? निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ती है। संसद के राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो ये केंद्रीय मंत्रिमंडल करते हैं। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्ति को 6 माह की समय सीमा के भीतर भरना होगा। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में
उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार से हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा, इम्पीचमेंट के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? भारत की संसद को। संघ की कार्य पालकीय शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? तो ये संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57 है, पुनः निर्वाचन की पात्रता। राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो ये अनुच्छेद 11 है। किसी अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? तो ये अनुच्छेद 160 में दिया गया है। राष्ट्रपति से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, अब हम वो देख लेते हैं। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति। 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। 56 में दिया गया है राष्ट्रपति की पदावधि। 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं योग्यता दी गई है। ये पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की योग्यता अनुच्छेद किस अनुच्छेद में निहित है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। 59 है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, राष्ट्रपति की शपथ, ये भी पूछा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। महाभियोग भी इम्पॉर्टेंट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 62 में है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि दी गई है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 72 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो ये केंद्रीय मंत्री मंडल की अनुशंसा पर कर सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। आहूत मतलब बुलाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो का की शक्ति का प्रयोग किया था? तो ये भारत डाकघर संशोधन विधेयक 1986 है। अक्सर पूछा जाता रहता है क्योंकि एक ही है इसलिए। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की परिचर्चा में भाग नहीं ले सकता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी कौन कौन से हैं? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अब हम ये देख लेते हैं। प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। राज्यों के राज्यपाल, वित्त आयोग व राजभाषा आयोग के अध्यक्ष एवं सभी सदस्य, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी एवं महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व जो भी सदस्य हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं उनके अंतर्गत सभी निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य उनके, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल व प्रशासक, दिल्ली व पुदुचेरी के मुख्यमंत्री। ये दिल्ली और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, केंद्र शासित प्रदेश के। नेक्स्ट क्या है, वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो 5 लाख है। और जो राष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति का 4 लाख है पर मंथ। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वह राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व तो करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व तो नहीं करता है। यह उक्ति किस पर लागू होती है? यह भारत के राष्ट्रपति पर लागू होती है क्योंकि ये जो भी कार्य करते हैं वो मंत्रिमंडल या के कहने पर ही सारे कार्य किए जाते हैं।
ये स्वयं से नहीं कर सकते हैं ज्यादा काम, बहुत ही कम पावर है जो राष्ट्रपति के को हमारे संविधान में दी गई है। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था? तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, और श्री रामनाथ कोविंद जो अभी प्रेजेंट में हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले पदाधिकारी कौन हैं? संघ के मंत्री, यूनियन मिनिस्टर, राज्यों के राज्यपाल, गवर्नर, भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो ये राष्ट्रपति के एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं उसके बाद, पहले लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद जब कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कोई भी विधेयक पर हो जाते हैं तो वह अधिनियम बन जाता है, और जब तक हस्ताक्षर नहीं होते हैं तब तक वह विधेयक कहलाता है, हस्ताक्षर के बाद वो अधिनियम कहलाएगा। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाए तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपतियों में से किन का संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? तो ये वराह वेंकट गिरी हैं। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो पद ग्रहण से 5 वर्ष की अवधि तक। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? जस्टिस एम हिदायतुल्ला। धन विधेयक यानी मनी बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है, बाकी वो लौटा सकते हैं, लेकिन धन विधेयक उन्हें पारित पर उन्हें साइन करना ही पड़ता है। श्री रामनाथ कोविंद का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? तो ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि 1950 से 1962 तक एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यकारी राष्ट्रपति जो किया है उस समय को छोड़कर सबसे कम अवधि 1 वर्ष 11 दिन तक कार्य किया था। तो सबसे लंबी अवधि के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सबसे कम अवधि के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन। राष्ट्रपति द्वारा क्षमा की स्थितियां, जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो तब क्षमा कर सकते हैं, जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो, और जब कोई दंड मृत्युदंड हो तो वो उसे कम कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित है? तो ये संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य, और राष्ट्रपति के निर्वाचित ही सदस्य होते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ संसद के लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? केवल राज्यसभा में। राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों को का समाधान का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है तथा उसका निर्णय अंतिम होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी अनुच्छेद है इंपॉर्टेंट 63 में क्या है? भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है 64। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना 65। उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियों अथवा उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना 66। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन 67। कार्यकाल जो 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्त की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल 68 में दिया गया है। 69। उपराष्ट्रपति का शपथ या प्रतिज्ञान है 70 में क्या है? अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करना 71। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित सभी विषय दिए गए हैं। अब कौन कौन से उपराष्ट्रपति रहे हैं अब तक यहाँ पर दिए गए हैं, आप पहले देख लीजिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और जो प्रेजेंट टाइम में है वेंकैया नायडू, बाकी यहाँ दिए गए हैं सभी का आप देख सकते हैं खुद से। किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो ये राज्यसभा है जिसकी अध्यक्षता
उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा? उपराष्ट्रपति। भारत में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के किसी भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन के सदस्य भाग नहीं लेते हैं? तो ये राज्य विधान परिषद के सदस्य हैं जो किसी भी में भी भाग नहीं लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। उपराष्ट्रपति की राष्ट्रपति से तुलना दी गई है। यहाँ पर राष्ट्रपति हैं, यहाँ पे उपराष्ट्रपति हैं। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए राष्ट्रपति की, और उपराष्ट्रपति की राज्यसभा बनने की योग्यता होनी चाहिए। यानी इन्हें राष्ट्रपति को लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए जो भी योग्यता है, और इसमें राज्यसभा के सदस्य बनने की जो भी योग्यता है। दूसरा है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, एवं दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और यहाँ पर केवल लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं, लेकिन राज्यों के विधानमंडल के सदस्य शामिल नहीं किए जाते हैं। राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया महाभियोग किसी भी सदन में प्रारंभ की जाती है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाए जाने का प्रावधान केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। अब केंद्रीय मंत्री परिषद से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? प्रधानमंत्री। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 50 होनी चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है? तो लोकसभा का। राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के आकार एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। 15% से अधिक नहीं होगी मंत्रिमंडल की कुल सदस्यों की संख्या से। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया? तो 91 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो अधिकतम 6 महीने तक रह सकता है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संसद के प्रति। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो अनुच्छेद 257। लाभ का पद का निर्धारण संसद एवं राज्य विधान मंडल द्वारा ही किया जाता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? तो विधायिका के। नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने? कैलाश नाथ काटजू थे। भारत स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री श्री आर के खड़मुगम चेट्टी थे। भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ? चौधरी चरण सिंह। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? अनुच्छेद 352 के भाग 3 में, 352 के 3 में दिया गया है ये मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग। श्वेत पत्र व्हाइट पेपर भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है जिसे व्हाइट पेपर कहते हैं। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित था? गोपाल स्वामी आयंगर। यहाँ पर मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में अंतर दिया गया है। मंत्रिपरिषद काउंसिल और मंत्रिमंडल कैबिनेट। मंत्रिपरिषद में क्या क्या होता है? कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री एवं उपमंत्री, इसमें सभी शामिल होते हैं, और इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल किए जाते हैं। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 व 75 में किया गया है। लेकिन मंत्रिमंडल का 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया।
जो संविधान के मूल पाठ में नहीं था। तीसरा है सैद्धांतिक रूप से मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त हैं, परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। और इसमें तीन में क्या है, व्यवसायिक रूप से मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की शक्तियों का ही प्रयोग करता है और मंत्रियों का कार्यों का निर्धारण करता है। मंत्रिमंडल द्वारा किए गए नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। नीतिगत निर्णयों के क्रियान्वित करने के लिए यह मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है तथा निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी भी करता है। तो ये मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल जो है ये मंत्रिपरिषद का ही एक भाग होता है। और यहाँ पर अब महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या है, अटॉर्नी जनरल एंड कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में जो भी पॉइंट है वो देख लेते हैं। भारत के तीन विधि अधिकारी होते हैं, भारत का महान्यायवादी, भारत का महाधिवक्ता और भारत के अपर महाअधिवक्ता, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था, तो ये थे एम सी सीतलवाड़। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है, महान्यायवादी देते हैं। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी विधि सलाहकार भी होता है, किसका, भारत सरकार का। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को सौंपे गए कार्य कौन कौन से हैं, भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश करना। संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना, सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 76 के 4 के अनुसार महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत धारण करता है अपना कार्यकाल, तो राष्ट्रपति के। भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाही में सम्मिलित होने, किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु वो वोट नहीं दे सकते हैं। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है, ये तो महान्यायवादी का अधीनस्थ होता है। भारत में वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है, के वेणुगोपाल। महान्यायवादी का पद संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक संवैधानिक पद है, जबकि महाअधिवक्ता का पद संवैधानिक न होकर मात्र वैधानिक होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे प्रथम, तो ये थे वी नरहरि राव। राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है, महाअधिवक्ता, एडवोकेट जनरल देते हैं, ये राज्य के लिए होते हैं। संसद की लोक सेवा समिति की बैठकों में कौन उपस्थित रहता है, तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के अंतर्गत सर्व प्रमुख अधिकारी होगा, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के वित्तीय रक्षकों में से एक होगा। इन वित्तीय रक्षकों में उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग सम्मिलित किए गए हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग सीएजी के पद का सृजन किसके द्वारा किया जाता है, संविधान द्वारा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है, लोक लेखा समिति का। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का प्रमुख अभिभावक कहा जाता है। राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों की वित्तीय जांच कौन करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन व भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं, 148 में दिया गया है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति एवं पद मुक्ति के बारे में, 149 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियां हैं, 150 संघ तथा राज्यों के लेखा प्रारूपों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देना, 151 अंकेक्षण प्रतिवेदन रिपोर्ट दी गई है। अब संसद के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं हम। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक दिया गया है, तो ये अनुच्छेद 110 के अंतर्गत। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया जा रहा है अभी, तो वर्ष 1971 की। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर लोकसभा सदस्यों
में से ही चयनित किया जाता है। राज्य सभा की एकांतित शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? अनुच्छेद 249। संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार से संबंधित है? राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन मुक्तियों को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है? तो ये अनुच्छेद 105 में है। लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति कितने सदस्यों के द्वारा होती है? तो कुल सदस्यों का 1/10। राज्यसभा की सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित संख्या कितनी है? 250। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति होते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? 253। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों लोकसभा एवं राज्यसभा सम्मिलित होते हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत है? तो 2026 तक यही होगा, उसके बाद चेंज किया जाएगा। संसद से संबंधित जो भी अनुच्छेद हैं, 79 में दिया गया है गठन संसद का, 80 में राज्यसभा की संरचना, 81 लोकसभा की संरचना, 82 प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, 83 संसद के सदनों की अवधि दी गई है, 84 संसद के सदस्यों के लिए अर्हता, 85 संसद के सत्र सत्रावसान एवं विघटन दिए गए हैं, 86 राष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित तथा संदेश देने का अधिकार, 87 राष्ट्रपति का विशेष संबोधन यानी अभिभाषण दिया गया है, 88 सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार दिए गए हैं, 89 राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति, 90 राज्यसभा के उपसभापति की पद की रिक्त त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना, 91 सभापति के कर्तव्यों के निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अथवा अन्य व्यक्ति की शक्ति, 92 जब राष्ट्रपति के सभापति अथवा उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो उस पर तो उसका पीठासीन ना होना, 93 में लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दिए गए हैं, 94 लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद की रिक्ति त्यागपत्र तथा पद से हटाए जाने के बारे में, 95 लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य लोक अन्य व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्षों के कर्तव्यों के निर्वहन की शक्ति दी गई है, 96 जब लोकसभा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष दोनों को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो उसका पीठासीन नहीं होना, 97 सभापति व उपसभापति तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते, 98 संसद का सचिवालय, 99 सदस्यों द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान, शपथ व प्रतिज्ञान 100 में क्या है? दोनों सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदन की कार्य करने की शक्ति तथा गणपूर्ति दी गई है, 101 स्थानों का रिक्त होना, 102 संसद की सदस्यता के लिए निर्हताएं, 103 सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय, 104 अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले अर्हत न होते हुए अथवा निरहित किए जाने पर भी सदन में बैठने तथा मतदान करने पर दंड का प्रावधान किया गया है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? तो ये 31वें संविधान संशोधन के द्वारा। लोकसभा के को कार्यकाल पूरा होने से पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं? तो ये मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 6। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। लोकसभा के लिए निर्वाचित होने की आयु लोकसभा में 25 वर्ष है। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या
545 है। लोकसभा व राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि भारत के किस राज्य से आते हैं? तो ये यूपी उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से 48 हैं। लोकसभा की सीटें 48 हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्योंकि इसे विघटित या समाप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके सदस्य हर 2 वर्ष पश्चात नियुक्त होते रहते हैं, निर्वाचित किए जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से 2 वर्ष पश्चात एक तिहाई सदस्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो ये लद्दाख है। भारत की संचित निधि पर भारी व्यय कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति के वेतन भत्ते एवं उनसे संबंधित सभी अन्य व्यय। राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन तथा भत्ते। ऐसे ऋण या भार जिनका दायित्व तो भारत सरकार पर हो। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन भत्ते एवं पेंशन। ऐसे अन्य व्यय जो संविधान अथवा संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा इस संबंध में भारित घोषित किया जाए। परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? उन्नाव, उत्तर प्रदेश का। लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य हुआ था। यदि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से संकल्प पारित कर दें तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसके पद से हटाया जा सकता है। एक वर्ष में लोकसभा में कम से कम 2 सत्र जरूर बुलाए जाने चाहिए। लोकसभा में बिहार को आवंटित सीटें किन 2 राज्यों को आवंटित सीटों के योग के बराबर है? तो ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बराबर है। टोटल 40 है। इन दोनों को मिला देंगे तो जो भी आवंटित सीटें हैं लोकसभा की वो बराबर हो जाएंगी। राज्यसभा के सदस्य का न्यूनतम कार्यकाल जो होता है वो जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है और लोकसभा का 5 वर्ष। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा उसका कर्तव्य नव निर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना है। लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर अपने निर्णायक मत कास्टिंग वोट का प्रयोग कब करते हैं? तो ये किसी विधेयक प्रस्ताव के पक्ष एवं विपक्ष में बराबर मतदान हो जाने की स्थिति में करते हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जी बी मावलंकर थे। लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद के पटल पर रखती है। लोक लेखा समिति एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा। विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों से कुल कितने सदस्य होते हैं? तो विशेषाधिकार समिति में टोटल 25, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 10। संसद में सरकारी विधेयक मंत्री द्वारा, जबकि गैर सरकारी विधेयक मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। तो जो सरकारी विधेयक होते हैं गवर्नमेंट बिल, वह केवल मंत्री भी प्रस्तुत करते हैं, जो भी मंत्री होते हैं कैबिनेट के। और जो गैर सरकारी विधेयक होते हैं उन्हें मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य के द्वारा पेश किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? 2। और लोकसभा में, इसमें राज्यसभा में 12 करते हैं, लोकसभा में 2 करते हैं आंग्ल समुदाय के व्यक्तियों को। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। राज्यसभा की 1980 से 1986 के बीच। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये मीरा कुमार, 4 जून 2009 से लेकर 4 जून 2014 तक। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संतुति के बिना या अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो ये जी वी माओ लंकर थे। लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? लोकसभा अध्यक्ष के। भारतीय राजनीति व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो संविधान है। भारत की संचित निधि पर कौन सा व्यय भारित नहीं होता है? भारत के प्रधानमंत्री के वेतन एवं भत्ते। भारत के धन विधेयक संसद के किस सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है? तो ये केवल राज्य लोकसभा में किया जा सकता है।
धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल विधानसभा में। बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार की जाती है? आर्थिक कार्य विभाग। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व किस निधि में जमा किया जाता है? भारत की संचित निधि में। आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? तो ये कब किया जाता है? आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व। कोई विधेयक जब बजट आता है अभी भी हाल ही में यह प्रस्तुत किया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य होता है। लेखानुदान वोट ऑन अकाउंट संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है? तो ये निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की। यहाँ पे साधारण विधेयक और धन विधेयक की तुलना की गई है। साधारण विधेयक इसे लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी प्रस्तावित किया जा सकता है और धन विधेयक इसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। इसे मंत्री अथवा गैर सरकारी सदस्य दोनों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसे केवल मंत्री प्रस्तुत कर सकते हैं। इसे सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं है, लेकिन धन विधेयक के लिए आवश्यक है। राष्ट्रपति की अनुमति से ही पूरा स्थापित किया जा सकता है। इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है, लेकिन इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। इसे राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है, लेकिन धन विधेयक को 14 दिनों के लिए ही अधिकतम रोक सकती है। इसे राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसे लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता होती है। दोनों सदनों में असहमत की स्थिति में राष्ट्रपति इसके लिए संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, लेकिन धन विधेयक के लिए कोई भी संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया गया है। यह विधेयक लोकसभा में स्वीकृत होने पर सरकार के को त्याग पत्र देना पड़ता है यदि इसे मंत्री ने प्रस्तुत किया हो। यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है। इसे राष्ट्रपति या राष्ट्रपति स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है अथवा पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है, परंतु पुनर्विचार के लिए लौटाया नहीं जा सकता है। प्राकलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों के द्वारा गठित की जाती है? तो इसमें लोकसभा के सभी सदस्य होते हैं। कोई कानूनी विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो किसी भी सदन में। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक तथा धन विधेयक दोनों के संबंध में हो सकती है। संसद के दो सत्रों के मध्य अधिकालिक अंतराल कितना होना चाहिए? 6 माह का। आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? बिना संसदीय स्वीकृति के व्यय कर सकते हैं। लोकसभा में विधेयक पर आम बहस का निर्वाचन किया जाता है। लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वाचन में होती है? तो ये द्वितीय वाचन में होती है। कटौती प्रस्ताव कट मोशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? समापन प्रस्ताव क्लोजर मोशन। यदि कोई धन विधेयक लोकसभा अथवा लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितनी अवधि तक रोक सकती है? तो अधिकतम 14 वर्ष। यदि वार्षिक संघीय बजट यूनियन बजट को लोकसभा द्वारा पारित ना हो तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र देना होता है। लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त तो अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। आवाहन राष्ट्रपति करते हैं। संसद की किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो ये प्राकलन समिति होती है। अंतरराष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य शासन के वित्तीय लेखा एवं विनियमन तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का परीक्षण करना है। भारतीय संसद किसके मध्य प्रशासन पर नियंत्रण करती है? तो ये संसदीय समितियों के माध्यम से करती है। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिनमें से 229 सदस्य
राज्यों से एवं 4 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से चुनकर आते हैं तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? तो विश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी? दहेज उन्मूलन विधेयक पर वर्ष 1961 में। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? लोकसभा अध्यक्ष को। संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। संसद यानी या विधानसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह सदन को सूचित किए बिना लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है। संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून कब बना सकती है? यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तब। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव कब लाया जाता है? जब वह मंत्री किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का गलत वर्णन करता है। संसद द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितनी रखी गई है? 18 वर्ष। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिकतम अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? शून्यकाल की अवधि 1 घंटा। संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मुद्दों पर बहस करना है। भारतीय संविधान की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है? न्यायिक समीक्षा से। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? भारत की देन है शून्यकाल। संसद की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।